मैनू कर लाया गुठा तेन विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जिला लाता है, मुझे है रावत सर। रावत सर मैं जो राजू पंजाबी भाई है उनकी शोक सभा यहाँ पे है, अगर सैन भवन है। रावत रावत सर एक बहुत ही जैसे तेरे भी बोलिया करा यहाँ पे, अरे यहाँ पर बहुत ही जैसे दिग्गज कलाकार भी बोलते हैं, जैसे आप देख सकते हो बहुत ही क्रम और बहुत सारे कलाकार होते हैं। आज एक बार दिखाते हैं आपको अंदर जो सभा होती है, तेरहवीं होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो तेरहवीं वाले दिन राजू पंजाबी की, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो राजू पंजाबी भाई उसकी तेरहवीं वाले दिन है, जो यहाँ पर पानी वगैरह की सुविधा सारी चीज़ें की जो सुविधा है वो कर रखी है। आप देख सकते हो वहाँ पर लेडीज़ बैठी हुई है और यहाँ पर पानी की सुविधाएं की हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ राजू पंजाबी भाई की जो तेरहवीं वाले दिन है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो लोग जो है सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग आ रहे हैं भाई की तेरहवीं वाले दिन। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर चाय की भी सुविधा की गई है, मतलब एक अच्छी तरह से जो है तेरहवीं वाले दिन है यहाँ पर, ताकि भाई को शांति मिल सके अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रामिर मिल्ला भाई भी आ चुके हैं और मौन सभा में आप देख सकते हो बहुत सारी श्रद्धांजलि जो शोक सभा है तेरहवीं वाले दिन। आप देख सकते हो यहाँ पर एक दुखदायक जो है राजू पंजाबी भाई के साथ जो मतलब बीमार पड़े थे वो, और यहाँ पर शोक सभा में लोग जो है आए हुए हैं आप देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ जो शोक सभा में लोग आए हुए अग्रसाल अग्रवाल सभा समिति में कुछ देर के लिए लोग आए हुए हम बैठेंगे, मन में अच्छे भाव अच्छे विचार लेकर के बैठेंगे, लाइनें बना करके बैठे हैं, अच्छा लगेगा। यूं बैठते हैं भीड़ लगती है, अभी एक भीड़ बैठी है, लाइनें बना लो एक दूसरे के आगे पीछे, जैसे स्कूल में बच्चे बनाते हैं, आगे आ जाओ बेटा भाई बहनों, आगे आगे तक आ जाओ, आगे तक आ जाओ, ताकि पीछे जगह खप हो, जैसे स्कूल में अपने बैठ हुआ करते थे छोटे होते, इसी तरह से भाई बना लें अच्छा लगेगा। और बैठे बैठे दुनियादारी की बात मन में नहीं आए, ईश्वर की भक्ति की बात आए, राजू की बात आए कि राजू के साथ भगवान ने ये जो कर्म किया ऐसा किसी और के साथ नहीं करे। राजू की अभी अपने को जरूरत थी, भगवान अपने घर बुला के ले गया, पर उस परिवार पर जो बिछोड़े के दुख से बहुत दुखी है, ईश्वर अपनी कृपा रखे, बच्चों के सिर पर हाथ रखे और राजू को उसकी आत्मा को पिछली आत्मा को अपने चरणों में निवास दे। जो बड़े बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति हैं जिनको नीचे बैठने में तकलीफ होती है, दीवार के पास उनके लिए सोफे रखे गए हैं, उन पर वही बैठे, कोई अन्य जवान आदमी जिनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है कृपया वे नीचे बैठे हैं, और जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ख्याल रखना है वो उसी पर या सोफों पर बैठ जाए।